नमस्कार, मैं हूं अंशली तामर और आप सभी का स्वागत है प्रदेश समाचार नेटवर्क में। थाना हरद्वगंज के ग्राम नगरीय भूड में हुए दलित व्यक्ति रविंद्र पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर की गई हत्या के बाद प्रशासन दल बल के साथ मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम गृह से लेकर मृतक के गांव पहुंचा, जहां मृतक के परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और आरोपी मृतक के परिवार वालों को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन परिवार वालों की कोई सहायता नहीं कर रहा। प्रशासन के आला अफसर भी मृतक के गांव पहुंचे व हर संभव परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया, जिसमें परिवार की 25 लाख की आर्थिक मदद व जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन देने को कहा। आला अधिकारियों के साथ ही मृतक के गांव आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मृतक के परिवार वालों को समझा बुझा कर मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार कराया। नमस्कार, प्रदेश समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय हूँ नगला भूड़ में, नगरिया भूड़ जिसे बोलते हैं। यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था दलित समाज को लेकर, तो आइए यहाँ पे सीओ साहब भी उपस्थित हैं, जानते हैं पूरे घटना हुआ क्या था। नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं प्रदेश समाचार से। तो सर, मैं जानना चाहूँगा क्या हुआ है यहाँ पे, क्या घटना हुई है। एक आदमी की हत्या किए जाने का आरोप एक वर्ग पे है, उसमें FIR हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन हो चुका है। इन लोगों को कुछ समस्याएं थी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न था जी, उसको मीट आउट किया गया है। स्मशान का कुछ था, उसको मीट आउट किया गया है जी। तो इनके आर्थिक मदद पे हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ और जल्दी देखने को मिलेगा जी। जी, थैंक यू। इस समय मैं मौजूद हूँ जहाँ जिस व्यक्ति की पीट पीट करके यहाँ के लोगों ने हत्या की थी, सबर जाति के लोगों ने, मैं वहीं पर उपस्थित हूँ। अभी तक जो है परिवार वालों का कहना यह है कि उसकी जो वाइफ है वो भी प्रेग्नेंट है और आगे उसके जीवन कैसे कटेगा, और वो अब इस बॉडी को लगाने के लिए भी एग्री नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें तत्कालीन कोई सुविधा या आर्थिक सहायता कोई भी मिले, लेकिन अभी तक केवल उसको आश्वासन दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आइए जानते हैं, देखिए। अभी अभी यहाँ पे इतना प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आया, आपको कोई सुविधा दे के गया या फिर केवल आश्वासन दे के गया? प्रशासन आता है लेकिन सुविधा नहीं मिलती, कल पिटकी से मर गया, कुछ भी ना मिला। अभी जो यहाँ पे प्रशासन आया था तो आपको कुछ सहूलियत दे के गया, क्या कह के गया, कुछ बता के गया? तो आप के चाहते क्या है? हम चाहते हैं तो देखा आपने पीड़ित परिवार का रोष और पीड़ित परिवार का दुख आपने देखा। देखिए यहाँ पे हमारे मंत्री जी हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। यहाँ के प्रशासन इस बच्चे के लिए क्या करके गया है? मंत्री जी, अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद था, अभी मौजूद थे, तो प्रशासन की तरफ से कुछ सहूलियत मिली आपको? जी जी जी, बताएं। एक बात बताइए, आज तो ये लोना मार दिया और कल को इससे बड़ा मार दिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप या आप कौन होगा जिम्मेदार? या आपका पुलिस प्रशासन कोई जिम्मेदार होगा? हम देखने बैठे मेरा भी एक बेटा कल मर गया, मेरा भी बेटा, कौन होगा जिम्मेदार? कौन होगा बताइए? दूसरे को मार दिया, बताइए कौन होगा जिम्मेदार? अभी ये पुलिस प्रशासन आपको प्रोटेक्शन देने के लिए भी तो बोल के गया, क्या हुआ? काम नहीं चलता है इसमें, बोल रहे हैं सारे जनता सुन रहे हैं इसमें, बोला को हमारे बच्चे को भी खून से बनेगा, मरेगा तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए? आप कौन होगा जिम्मेदार वाले? तो बताइए आप, कुछ करते चले जाओगे? तो देखा आपने परिवार का रोष इस तरीके से, रोष है, यहाँ का प्रशासन कोई भी सहायता करने के लिए अग्रणी नहीं है। देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।